कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी होंगी। देखना है कि नेटवर्क के साथ तो हम जा रहे हैं चना को भिगोने के लिए। मैं नाश्ते में चना तलेंगे तो चलते हैं फिर। बने रहना है ब्लॉग तक टाइम। देखना ये रहे चना, हम जा रहे हैं भिगोने के लिए, पानी में भिगोने के लिए। पानी में भिगो दिए, अब इसे ढक कर रखते हैं, सुबह लोग फूल जाएंगे। देखना ये रखे बैगन, ये रखा प्याज, ये लहसुन को हम नुका रहे हैं। बर्मा बैगन बनाएंगे और चना तलेंगे, इसलिए हमने प्याज लगा दिया है। ये धन हम लहसुन नुका रहे हैं। हमने बैगन को प्याज को सब्जी धोने के लिए जा रहे हैं, इसलिए बना रखे हैं। इसको काट के नहीं धोने से नहीं धो पाता, ये सब्जी को हम धो लेंगे तब काटेंगे बैगन को। हम जा रहे हैं घर में बैगन बनाने के लिए और चना को तलने के लिए। चलते हैं घर में। मेरा प्याज बैगन लहसुन बैगन तो घर में बनाने के लिए जा रहे हैं, प्याज काटने के लिए जा रहे हैं। देखना चना कूट कर एकदम तैयार हो चुके हैं, आप जा रहे हैं इनको उबालने के लिए। चना चना तलेंगे, कभी बात बनाएंगे बैंगन बर्मा। नाश्ते में चना, नाश्ते में बनाएंगे चना, चना तलने कभी बनाएंगे बर्मा बैंगन बनाएंगे। ठीक, चना तल लेंगे। बैगन कितने बढ़िया रखी तुमने तो हैं। बैगन काट के रखने, सब्जी जा के लिए सोचना, सब्जी तैयार करके रखने, सब्जी अच्छा ना करने। तेल पक रहा है, मेरा हींग जीरो, प्याज मेरा हींग जीरो, देखना प्याज जरूर बताना क्योंकि लोगों को पसंद नहीं करना चाहिए। फ्रेंड हमने चना को तल लिए है।
इधर ड्रेवन देखो अकोड़ने लगे दमदारे मसाले के बारे में हमने मसाले को इसलिए नहीं डाला था पहले पहले से डाले जब दमदारे नकोड़ने बहुत पसी लगती है इसलिए बनने लगा मसाला। सब्जी को छौंक दिया इसमें हमने नमक भी डाल दिया अब इसको डाल दिया। हम चना को लेके जा रहे हैं नाश्ते में उनके लिए तो हम उनको हम दिखाते हैं जिनके लिए लेके जा रहे हैं अपने पति महाराज जी के लिए चना में नमक कैसे हुआ सही है अच्छे लग रहे कि नहीं देखो हम करने जा रहे हैं नाश्ता चने का इधर देखो खाना भी थमने लगा मेरा नाश्ता हो रहा है इधर खाना चल रहा है मैं काम खाना बना रही थी। तो फ्रेंड हम छत पे आ चुके हैं नीचे गर्मी लग रही थी मैं छत पे चले जाऊँ हवा चल रही है। तो फ्रेंड हमने आज की सब्जी में चना तले थे और बनाए थे कलमा बैंगन। फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कर दिया मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।